नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है सनील कुमार और आप देख रहे हैं बी डेफिनेट। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं शाहिद अफरीदी की बुक का, इसका रिव्यू करेंगे हम, गेम चेंजर। और ये अभी अवेलेबल है और इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, शाहिद अफरीदी बहुत ही बड़ा नाम है क्रिकेट की दुनिया का और लोगों की डिफरेंट राय है उनके बारे में। कुछ लोग कहते हैं कि वो इतने टैलेंटेड नहीं थे, इतने अच्छे प्लेयर नहीं थे जितना कि उनका करियर 18-20 साल वो खेले हैं। और वहीं कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, वो गिफ्टेड प्लेयर थे और कह के छक्का मारते थे, गेम चेंजर थे। तो आप लोगों की क्या राय है प्लीज़ मुझे बताइएगा। और हम लोग इस बुक में रिव्यू करेंगे कि क्या है, उन्होंने कैसे अपनी पूरी बात को किस तरीके से उन्होंने रखा है, क्या बोला है अपनी टीममेट के बारे में और इंटरनल पॉलिटिक्स के बारे में। तो बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों, ये बुक मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था और फ्लिपकार्ट और अमेजन दोनों में अवेलेबल है ये, सेम रेट पे आप किसी से भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे फ्री पोस्टर इनसाइड, बट मुझे कोई पोस्टर मिला नहीं। और ओवरऑल बुक की बात करें तो क्वालिटी वाइज बुक काफ़ी अच्छी दिख रही है, इसके पेजेस काफ़ी अच्छे हैं, हार्ड कवर है। और चलिए अब अंदर बात करते हैं। देखिए, हम लोग बायोग्राफीज क्यों पढ़ते हैं? बायोग्राफीज हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि उस पर्सन के बारे में हमको और नॉलेज, इन डेप्थ नॉलेज मालूम चले, वो बातें मालूम चले जो जो बाहर ना आई हो या जो और इंटरेस्टिंग बातें हों उस पर्सन के बारे में जो उसके टाइम पे वो ना बोल पाया हो। सिमिलरली मैंने भी यही सोच के ये बुक ऑर्डर की और उसको पढ़ा मैंने। तो इसमें देखिए, जब आप इस बुक को पढ़ेंगे तो अफरीदी ने बहुत ही सही तरीके से अपने जैसे इनिशियल डेज उन्होंने कैसे गुजारे, कैसे वो उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू स्टार्ट किया सब उन्होंने बताया है, कैसे वो इंटरनेशनल सर्किट में पहुंचे, वहां उनको क्या चैलेंजेस उनको मिले, क्या उनके साथ क्या प्रॉब्लम हो गई थी कि वो इतने बड़े प्लेयर नहीं बन पाए। हालांकि उन्होंने इस बात को एडमिट किया है कि वो उतने सक्सेसफुल प्लेयर नहीं बन पाए जितना वो बन सकते थे। और कहीं ना कहीं देखिए, जब आप किसी पर्सन की बात सुनते हैं तो आप, मुझे भी लगता है आपको भी लगता होगा कि अफरीदी जब खेलने आते थे तो रैश शॉट खेल के आउट हो गए और माने रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं खेलते थे। तो हम लोग ने भी एक धारणा बना ली थी कि शायद ये उतने रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं है, उतने मतलब काफ़ी केयरलेस तरीके से खेलते हैं। तो अफरीदी ने इस बात का जिक्र किया, अपनी बात रखी कि क्यों ऐसा होता था, उन्होंने माना इस चीज़ को और क्या दिक्कतें थी उनके साथ, कैसे उनको ट्रीट किया गया। तो काफ़ी खूबसूरती से उन्होंने काफ़ी चीज़ों का बखान किया। अपने टीममेट्स के बारे में भी उन्होंने काफ़ी बातें बोली, मैच फिक्सिंग स्कैंडल के बारे में भी उन्होंने काफ़ी बातें बोली। और एक बात मैं अफरीदी की इसमें तारीफ करूंगा कि उन्होंने बहुत ही दिलेरी से, बहुत ही बोल्डली प्लेयर्स का नाम लिया है जो भी कॉन्ट्रोवर्शियल बातें रही उनके जीवन में, उनके प्लेइंग डेज में। तो उन्होंने बहुत ही हिम्मत करके नाम लिया है उनका और जिक्र किया है, तो काफ़ी हिम्मत की दाद दूंगा उनकी मैं। उन्होंने क्रिकेट के अलावा पॉलिटिक्स के बारे में भी काफ़ी बातें बोली और कैसा उनका रुझान पॉलिटिक्स की तरफ है और कैसे वो अपनी पॉलिटिक्स को देखते हैं, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को। तो उन्होंने काफ़ी बातें बताई। देखिए, जब आप, अगर आप लोग अफरीदी को अगर आपने खेलते हुए देखा है तो उन्होंने जो मैचों का रेफरेंसेस दिया था या जो प्लेयर्स का नाम उन्होंने बताया है, तो आप उसको पहचानेंगे, आपको याद रहेगा कि हाँ यार, ये मैच मैंने तब देखा था, ये मैच जब हो रहा था तो मैं फला स्टैंडर्ड में पढ़ता था। तो आप रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, आपको इंटरेस्ट आएगा जानने में कि अच्छा अच्छा उस वक्त तो मैं वहाँ था। तो इसीलिए मुझे भी इंटरेस्ट आया क्योंकि अफरीदी को मैंने बचपन से खेलते हुए देखा है, ग्रो करते हुए देखा है। तो मुझे उनके हर एक मैच का बारे में मालूम चल रहा था कि वो किस टाइम की बात कर रहे हैं, किस एरा की बात कर रहे हैं। और जो साथ के फेलो इनके क्रिकेटर्स थे, वसीम अकरम, रमीज़ राजा, वकार यूनिस, तो उनके बारे में हम जानते हैं, शोएब अख्तर। तो इंटरेस्ट आ रहा था अभी हमको। अभी हम 60s की बात करेंगे तो शायद उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा क्योंकि हमने उन प्लेयर्स को खेलते हुए नहीं देखा, उन मैचेस को हमने नहीं देखा।
तो इसमें आपको काफी इंटरेस्ट आएगा अगर आपने 90s का एरा देखा है तो। काफी बातें अफरीदी की इसमें आपको मालूम चलेंगी, इंटरनल बातें मालूम चलेंगी। बहुत ज्यादा स्पॉइलर मैं नहीं दूंगा, लेकिन हाँ एक आध बातें बता देता हूं। जैसे कि अफरीदी पहले फास्ट बॉलर बनना चाह रहे थे, कैसे वो शिफ्ट हो गए स्पिनर की तरफ, ये आपको जानने को मिलेगा। आप लोगों को ये शायद मालूम होगा कि जो फास्टेस्ट सेंचुरी उन्होंने बनाई थी वो उस वक्त उन्होंने वकार यूनुस का बैट लिया था उस इनिंग के दौरान, लेकिन शायद आपको ये बात नहीं मालूम होगी कि वकार यूनुस को वो बैट सचिन तेंदुलकर ने दिया था। तो अल्टीमेटली जो फास्टेस्ट सेंचुरी बनी है वो सचिन तेंदुलकर के बैट से बनी है। इसी तरीके से और भी कई बातें हैं जो उन्होंने बोली हैं मैच फिक्सिंग के बारे में, पीसीबी अपने जो बोर्ड के बारे में, अपने फेलो क्रिकेटर्स के बारे में। तो अच्छा इंटरेस्ट आपको काफ़ी लगेगा इसके अंदर। और देखिए इस बुक में अफरीदी ने अपना पूरा एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा है कि कैसे वो एक बेटर बैट्समैन नहीं बन पाए, कैसे वो एक सक्सेसफुल प्लेयर नहीं बन पाए, क्यों टेस्ट मैचेस में वो कामयाब नहीं हो पाए। तो उन्होंने अपना एक पूरा एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा है जो कहीं ना कहीं मुझे जस्टिफाइड लगा। मैं भी कहीं ना कहीं एग्री करा ये बुक पढ़ने के बाद। मुझे भी शायद अपनी सोच में चेंज लाना पड़ा कि हाँ यार ऐसा होता तो शायद वो एक बेहतर बल्लेबाज बन सकते थे। अफरीदी ने इस बुक में इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन प्लेयर्स के बारे में भी काफ़ी बात करी है। हो सकता है आप उस बात से सहमत ना रखें, लेकिन ये अफरीदी की अपनी एक अपना ऑब्जर्वेशन है, अपना एक व्यू है, और आपको एक डिफरेंट एंगल मिलेगा कि हाँ कैसे दुनिया इंडिया को देखती है, इंडियन प्लेयर्स को देखती है, इंडियन पॉलिटिक्स को देखती है, ये कुछ आपको जानने को मिलेगा। अफरीदी ने बहुत खूबसूरती से ये बताया है कि पाकिस्तान के किस एरिए से कैसे प्लेयर निकलते हैं। लेट सपोज जैसे हम लोग बात करते हैं इंडिया की, तो मुंबई से हम लोग एक मन में जैसे आता है तो बैट्समैन, मुंबई से बैट्समैन निकलते हैं। उसी तरीके से अफरीदी ने बहुत अच्छे से बताया है कि कराची से बैट्समैन निकलते हैं, ऊपर नॉर्थ से चले जाएं तो लाहौर से फास्ट बॉलर आते हैं। उसका एक उन्होंने एक लॉजिकल रीजन भी दिया है। तो ये सब छोटी छोटी बातें आपको जानने को मिलेंगी, सीखने को मिलेगा, एक डिफरेंट एंगल देखने को मिलेगा। ओवरऑल अच्छी बुक है, अच्छे से उन्होंने बताया है अब कैसे उन्होंने अपनी एक शाहिद अफरीदी फाउंडेशन स्टार्ट करी है और क्या उनके आगे के फ्यूचर प्लान्स हैं। उन्होंने उस बारे में भी काफ़ी बातें करी, अपनी फैमिली के बारे में बात करी, अपने बच्चों के बारे में बात करी है। और देखिए अगर आप एक स्पोर्ट्स लवर हैं, एक क्रिकेट लवर हैं और 90s का एरा आप देख चुके हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा यह बुक आप ज़रूर पढ़िए, आपको इंटरेस्ट आएगा। अफरीदी एक नोन फिगर है, आपको काफ़ी कुछ मतलब सीखने को मिलेगा। और काफ़ी उन्होंने अपनी जो विक्ट्रीज हैं, 99 में फाइनल में पहुंचे थे, 2009 का T20 वर्ल्ड कप वो जीते हैं, उन्होंने एक्सप्लेन किया है कब कब उनकी प्लेयर से लड़ाई हुई, उन्होंने सब बताया है। तो आपको एक अच्छा हेल्दी मसाला मिलेगा इसमें। आप इस तो इस बुक को मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, आप पढ़िए इसको और आपको इंटरेस्ट आएगा। और इस बुक को मैं देता हूँ 5 में से 3 अंक। तो इसको पढ़िए आप और बताइए मुझे कि अफरीदी वाकई में गेम चेंजर हैं कि नहीं। धन्यवाद। तो दोस्तों इसी तरीके से डिफरेंट वीडियोस, डिफरेंट टॉपिक्स मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। अपना प्यार मुझ पर बनाए रखें और मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक, किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।